विधायक दल की बैठक जारी। तो बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री मौजूद है और जाहिर है बीजेपी के विधायक दल के नेता भी हैं सीएम, तो उनकी अध्यक्षता में ये बैठक जारी। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा जारी है। तो संगठन और सरकार से जुड़े कई विषयों को लेकर चर्चा जारी है और काफी अहम ये बैठक है, क्योंकि आप जानते हैं अमूमन मंत्रियों की बैठक तो बुलाई जाती है। कैबिनेट बैठक औपचारिक या अनौपचारिक होती है, लेकिन विधायकों की बैठक बुलाई गई है। सभी विधायक बैठक में उपस्थित हैं। सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। जिस वक्त विधायक और मंत्री पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो अब तो देखिए बीजेपी का एक और विधायक बढ़ गया, एक और संख्या इस उपचुनाव के बाद, आदमपुर उपचुनाव के बाद बढ़ गई है। और कल आदमपुर से नवनिर्वाचित विधायक भव्य विष्णोई शपथ भी लेने वाले थे। उससे पहले ये बीजेपी की बैठक, विधायक दल की बैठक दरअसल जारी है। चलिए चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता रवि कालीरमन फोन लाइन पर हैं। रवि, बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है, क्या जानकारी है, किन किन मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा जारी है? बिल्कुल ज्योति, देखिए बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वो जारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बैठक में तमाम मंत्री और बीजेपी के मंत्रियों समेत तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और साथ साथ जिस प्रकार से ये मीटिंग रखी गई है, कहीं ना कहीं तमाम जो विधायक हैं उनके हल्के की समस्या को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी, किस किस हल्के में क्या क्या समस्याएं हैं उनको लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ आने वाला जो विधानसभा सत्र है उसमें विपक्ष की क्या भूमिका रहने वाली है और सत्ता पक्ष किस प्रकार से विपक्ष के तमाम जो सवाल हैं उसको लेकर तैयारियां भी कहीं ना कहीं इस बैठक में जो है वो की जाएंगी। किस प्रकार से विधानसभा का शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी और साथ साथ नवंबर के एंड में ही बीजेपी एक बड़ी रैली जो है वो करने जा रही है, उसको लेकर भी तैयारियों की चर्चा जो है बातचीत इस बैठक में जो है वो की जाएगी। तमाम जो नेता है बीजेपी की उनकी ड्यूटियां भी कहीं ना कहीं इस बैठक में लगाई जाएंगी। किस नेता को क्या ड्यूटी लगानी है, किसकी क्या जिम्मेवारी किसको क्या देनी है, वो तमाम चीजें इस बैठक में की जाएंगी। रवि, एक तो आपने सत्र को लेकर बताया, दूसरा आपने बताया कि रैली को लेकर क्या क्या जिम्मेदारी लगाई जाती है, तीसरा चूंकि देखिए अभी 3 साल तो सरकार के पूरे हो गए हैं, ऐसे में विधायकों के हलकों से जुड़े कितने काम हो पाए, कितने विकास कार्य हो पाए या कितना विकास होना चाहिए, इसको लेकर भी चर्चा। बिल्कुल ज्योति, देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए तो तमाम जो विधायक हैं उनकी क्या क्या शिकायतें हैं उनके हलकों को लेकर, रोड की समस्या है, सड़कों की, गलियों के निर्माण की समस्या है या फिर किसी अन्य जो विकास जो काम होने चाहिए थे हल्के में वो नहीं हो पाए, उनको लेकर भी चर्चा की जाएगी। तमाम जो विधायक हैं अपने अपने हल्के की समस्याएं जो है मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और तमाम जो मंत्री मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं इस समस्या से निपटान पाने के लिए अपने अपने विभागों की तमाम जिस प्रकार से इनकी जिम्मेवारी लगानी है, किस प्रकार से तमाम जो समस्याएं हैं उनसे निपटा जाए उसको लेकर चर्चा की जाएगी। और जिस प्रकार से रैली है, एक रैली का जो बड़ी रैली जो है बीजेपी 8 साल के कार्यकाल पर करने जा रही है, तमाम जो चीजें हैं किस प्रकार से हरियाणा सरकार ने पिछले 8 साल में काम करा है, तमाम योजनाएं जो है परियोजनाएं जो है वो निचले स्तर तक कैसे पहुंचे, तो उसको लेकर भी एक खाका जो है वो तैयार किया जाएगा और तमाम नेताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया रवि, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो विधायकों की ड्यूटी जो रैली होनी है उसको लेकर भी लगाई जाएगी, क्योंकि सीएम भी देखिए 8 साल पूरे कर चुके हैं, बतौर सीएम मनोहर लाल हरियाणा में 8 साल कंप्लीट कर चुके हैं। 8 साल पूरे होने पर उनकी ओर से प्रेस वार्ता भी की गई थी। अब बैठक ये विधायक दल की बीजेपी की ओर से बुलाई गई है। सीएम की अध्यक्षता में हो रही बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बताई चंडीगढ़ से, तस्वीरें उस वक्त की जब खुद सीएम भी, मंत्री भी और हरियाणा बीजेपी के सभी विधायक बैठक के लिए पहुंचे थे।